धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। दो अलग अलग जिंदगियां एक होने के लिए, दो लोगों को साथ निभाने के लिए उन्हें एक बंधन में बंधना जरूरी है। का नाम भी मत ले। अरे बेटा, तुझे जरूर अच्छी गुणों वाली लड़की ही मिलेगी। अरे बेटा, जवान होके शादी के नाम से डरते हो? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तेरे पापा पैदा हुए थे। आपके घर होने वाली सुहागरात हमारे घर पर होगी, प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि हमारे घर का खानदानी पलंग मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, इतना ही नहीं हमारी सुहागरात भी उसी पे हुई थी। अरे बस भी कीजिए। अभी देखिए कि अगल बगल के गांव में से मेरे भांजे से कौन शादी करे, इसलिए लड़कियों की लाइन लगती थी। मेरे भाई ने उसको सिर्फ चलना सिखाया, पर मैंने उसको सुहागरात वाले रूम तक पहुँचाया। लेकिन आपके जीजाजी नहीं आए। वो यहाँ आके क्या करेंगे, खड़े रहे तो बैठ नहीं सकते, बैठे तो अस्थमा। लेकिन ऐसे सुहागरात वाले दिन दूल्हे को एनकरेज करने के लिए मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही चाहिए, क्यों? सच कहा ना? इसलिए नहीं। ठीक है। मैं आपसे मैं आपको बहुत दिनों से एक्चुअली मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। हाँ बोल। अरे जल्दी नीचे आ, नहीं तो लड़कियां चली जाएंगी। अरे थोड़ा सबर कर यार, दो मिनट में आया। ठीक है,
ओके बाय। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। यस। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? अरे सत्या, एक मिनट, ये लड्डू खा के जा। अभी कुछ नहीं चाहिए माँ, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। ये ले, ये एक खा ले। माँ, नहीं चाहिए। ये एक नंबर का बेवकूफ है, ऑफिस बंद करके घर पर आने के टाइम पर ये अभी घर से बाहर क्यों जा रहा है? संभल के जाना। इसको इतना ज्यादा घमंड है कि ये जवाब दिए बगैर ही चला गया। ए, चल, चल, चल। की आदत कब छोड़ेगा, जल्दी बैठ। अरे टाइम हो रहा है, जल्दी चल। You are done with your work? Yes, sir. I am almost done. Can you show me the updates of the work? Okay, sir. तुम काफी हार्ड वर्किंग हो सासरा। I'm really proud of you. क्या आज डिनर के लिए जा सकते हैं? सॉरी सर, अर्जेंट वर्क है मुझे। नो प्रॉब्लम, हमारे पास काफी समय है। नेक्स्ट टाइम मे बी। आई हैव टू लीव अर्जेंटली सर। बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, प्लीज गलत मत समझिएगा। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। आप मुझे पसंद करती हैं तो ही एक्सेप्ट कीजिए, वरना विल जस्ट बी गुड फ्रेंड्स। हम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत खूबसूरत होगी आपकी तरह। That's nice of you. तो फिर मैं आपकी हाँ समझूं? कहाँ हो तुम? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम मिलते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स में आती हूँ। ओके? ऑफिस से निकलने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना? उस घोचू मैनेजर के पास मैं अकेली फंस गई थी। उसने फिर कुछ किया क्या? वो मैनेजर बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये देखो, ऐसे फालतू लोग दिन में 10 बार मिलेंगे और तू दिन भर उन्हीं के बारे में सोचेगी तो तेरा टाइम वेस्ट होगा। देख, तू इन सब के बारे में टेंशन मत ले, लेकिन चाय के साथ जलेबी खाती है? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी खाऊंगी, तुझे कोई प्रॉब्लम है? अभी के प्रोजेक्ट में टॉर्चर कम हुआ है क्या? उस मैनेजर के सामने ये टॉर्चर तो कुछ भी नहीं है। अरे सत्या, तू इतना टेंशन मत ले, समझ गया ना?
हमारा मैनेजर तो बहुत ही खड़ूस है। संभल कर, ओके, मैं वहां जाकर बैठता हूँ। ओके। और मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, कितना भी काम करो लेकिन सेटिस्फाइड ही नहीं होता। एक्सक्यूज मी, हेलो, आगे क्या प्लान है? पता है मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। मैं आपको पसंद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। सारे मर्द एक जैसे। लास्ट मंथ भी उसने ऐसे ही किया था। हाँ हाँ, हर बार वो टॉर्चर करता है। हमें ना एचआर से कंप्लेंट करनी चाहिए। इसे क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? सहस्रा सुनो। अरे सुनना, इसका मूड कब खराब हो जाए? जरा एक मिनट। सरप्राइज़। वाओ, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों रे, तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज बची नहीं है क्या? मजे से खाता है, टीवी देखते रहता है, लाइफ तो एंजॉय तू ही कर रहा है। इसलिए कहती हूँ शादी करवा दो, अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगी। देखो, तुमने इसको 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ उठाई है, लेकिन मैं तो इसके लिए 2 साल से लड़की ढूंढने में तकलीफ उठा रहा हूँ। आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने एक बार हाँ कर दी ना तो मामा अभी आकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवा देगा। अच्छा, तो फिर ये ले और अपने मामा को कर ले फोन। शर्माओ मत बेटा, बात कर लो। ले ले बेटा। आहा, ओहो, वाह गृहलक्ष्मी, तुम्हारी हाथों में तो जादू है। जब तुम मालिश करती हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। वाह, अभी स्वर्ग दिखा। क्या बात है, अभी ये कौन है कबाब में हड्डी जो इस वक्त मुझे कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? हाँ मामा। हाँ भांजे, बोल क्या बात है? अरे आप कैसे हो? मैं तो बहुत मजे में हूँ, तू कैसा है ये बता। हाँ मैं भी ठीक हूँ मामा। ठीक तो रहेगा ना तू, क्योंकि मुझ पे जो गया है। अच्छा मामा, वो सब छोड़िए, आप एक बात बताइए, आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे या नहीं? पापा कह रहे हैं मेरी शादी नहीं हो सकती। हेलो 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 हेलो, मामा मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोलो। अरे पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मामा। हेलो, क्या कहा उन्होंने? ऐसा ही होने वाला है, तेरी शादी होने तक और तेरे मामा की बेटी की शादी होने तक ये फोन काम नहीं करेगा। यही है इसकी रेंज। आप चुप बैठिए, ये हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। तू खाना खा बेटा, ये ले और ले। अभी क्या चाहिए तुम्हें? हेलो हेलो, सुन सकते हैं? हाँ बोल। अर्जेंट है, जल्दी आ। हाँ अभी आता हूँ। अरे खा के जाना। अरे माँ मुझे बस हो गया। अच्छा मुझे आने के लिए देर हो गया? रात को खाने पे जल्दी आ जाना। ये नहीं सुधरेगा। आप वो सब छोड़िए, ये लीजिए दाल। दाल तो कमाल की बनी है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, खाओ। अब मैंने क्या किया, उसका गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? और थोड़ा लीजिए ना। ठीक है, खुद ही ले लीजिए। What's the update, सासरा? Client has approved, sir. अच्छा तो हमारी मीटिंग कब रखें? Excuse me? मतलब उस दिन जो हमारी मीटिंग हुई थी ना, उसी के अपडेट्स पूछ रहा हूँ। अटेंड की थी ना? अटेंड होकर टिकट अपडेट सब दे दिया था मैंने। गुड, ऑटोमेशन पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट करना, तभी ऑटोमेटिकली हमारा रिलेशन अच्छा होगा। मतलब कंपनी के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। बाय द वे, AHM अवार्ड के लिए तुम्हें रेफर किया है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर। वाटर? नो सर। हम अगर इसी तरह मिलकर काम करें तो कंपनी की भी ग्रोथ अच्छी होगी। यू विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर।
निकलते हैं। थोड़ी देर रुकना, क्लाइंट कॉल पे है, नहीं तो मैनेजर परेशान करेगा। चलते हैं ना। अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम 5 मिनट भी नहीं रुक सकती? हो गया क्या? बस 2 मिनट देना, सिस्टम ऑफ करती हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे रुको, मैं आ रही हूँ। इससे कौन शादी करेगा पता नहीं, बेचारा। बस 2 मिनट रुको, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। Excuse me, मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। I think I'm in love with you. ये तो क्या चल रहा है? पहले मेन रोड पर, उसके बाद रेस्टोरेंट में, उसके बाद अब यहाँ पर। ऐसे कितनी लड़कियों को प्रपोज करोगे तुम? इंसानों के प्रपोज की मशीन, ऊपर से डायलॉग्स भी सेम ही होते हैं। रुक जाओ, वेरी सॉरी। एक्चुअली हम प्रैंक कर रहे थे, वो हमारे चैनल के लिए हम वीडियो बना रहे थे, तो हमें माफ कर दो। प्रैंक था? अरे चल 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 चल। अरे I love you. फूट मार खाया है, अभी हंसी निकल आएगा। चलो निकलते हैं। निकलते हैं। जी कभी प्रपोज नहीं किया क्या? आपको प्रपोज करना आता नहीं? ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जीजा जी, आज दीदी नहीं आएगी तो हम यहाँ आज रुक जाएं क्या? इस उम्र में ऐसी बातें करते हैं? निकलो यहाँ से। बड़े पापा देखो, जीजा जी डांट रहे हैं। क्या हुआ है तुझे? बच्चों को क्यों डरा रहा है? सिर्फ मुहूर्त तक रुक जा, परी जैसी लड़की आएगी तभी दिखाना तेरा ये टैलेंट। इसमें भी मेरे पे गया है बेवकूफ। ऐसी कोई बात नहीं है मामा, ये भी ना बच्चों से कम नहीं है। अरे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है, इसमें भी मुझ पे ही गया है। कीमत कुछ ज्यादा ही है यार। काजू बर्फी का रेट कम होगा क्या? नो सर। ठीक है, मुझे टेस्ट करवा। ये लीजिए सर। ठीक है, आप कैसे पैक कर दो। ओके सर। कितना हुआ भाई? 550 रुपीज सर। ओके। मैंने जिलेबी पैक करने के लिए नहीं कहा था। अरे ये क्या कर दिया, लगता है वो मैम लेकर चली गई। हाय, कैसी हैं आप? बस के लिए वेट कर रही हैं। वो उस दिन क्या है? आप बहुत ही स्वीट हैं। What?
वो स्वीट शॉप में आपका और मेरा बॉक्स एक्सचेंज हो गया था। मुझे माफ करो, मैं जरा जल्दी में थी। सॉरी। आप हमेशा ही जल्दी में रहती हैं। क्या कहा तुमने? उस दिन आपने मुझे मारने में भी जल्दबाजी की थी ना? उस दिन की बात तुम अब तक नहीं भूले हो? हाँ? उसके बाद मैंने आपसे जो कहा था वो आप भूल गई क्या? हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए मैं ही भूल जाता हूँ। मुझे बताओ, तुम किसी अजनबी लड़की को देखकर कैसे प्रपोज कर देते हो? अच्छा, आपको खाने में तीखा पसंद है या मीठा? व्हाट? आप ही ने कहा ना भूल जाने के लिए। अरे ऐसे साइड में देखकर नहीं हंसना चाहिए, हमेशा सामने देखकर हंसना चाहिए। एक बार फिर हंस के दिखाइए। ओह, ए, देख के चलो ना, आंखें नहीं है क्या? भगवान ने आंखें दी हैं तो इस्तेमाल भी करो। लड़की साथ में इसलिए कम आ रहा हूँ, याद रख। ये हीरोगिरी जरूरी थी? अरे यार। हो तो मैं आकर उसे बात करता हूँ। जाने दो, I can handle it. If this is the way, I have to complain to the HR. आदत मेरी, तू मेरी।
लो बिल। चलो हैप्पी बर्थडे। गर्लफ्रेंड को बर्थडे में अक्सर केक या गिफ्ट देते हैं, ऐसे बन नहीं देते। जी मुहूर्त का समय हो रहा है, बेटी को भेज दो। जैसा आपको ठीक लगे। लेकर आइए। इसलिए 9 महीने में ही हमें गुड़िया जैसी अच्छी सी पोती चाहिए। अभी क्या करना है वो तो तुझे पता है। तुझे हाँ बेटा, संभल कर जा जा। अभी हार के क्या कबाब में हड्डी बनोगे? चलो उन्हें अकेला छोड़ दो। चलो। ये बात सही कही आपने। बोलो, मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? ओके ना, बाद में बात करते हैं। सिर्फ एक ओवर बाकी है। 6 बॉल में 15 रन चाहिए। अरे मैं हूँ ना, फिनिश कर दूंगा। तू सिर्फ लड्डू को स्ट्राइक देना। चुप कर यार। Come on, boys, come on! Satya, याद रख, 6 में 15 चाहिए। भाई सुन, सिर्फ सिंगल निकल के आजा। तू चुप कर, बाप को मत सिखा। खुद को क्या समझता है रही है? क्या रे, गर्लफ्रेंड इतनी कोऑपरेटिव है? तेरा सब कुछ सुनती है। लास्ट ओवर है, मार के खेल। घुमा शॉट। अरे कम ऑन सत्या, लड्डू को स्ट्राइक दे। हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे। स्ट्राइक दे रे। फील्डिंग फील्डिंग फील्डिंग। चल चल चल, बॉल पास कर, बॉल पास कर। कम ऑन सत्या।
लड्डू मार के खेल। और 8 रन चाहिए। चल 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 भाग। बोल 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 बोल। अरे ठीक से बॉलिंग करना। आराम से खेलो रे। अरे मोटे बॉल क्यों नहीं खा रहा है? इतना बड़ा जो पेट है उसका क्या करेगा? चल चल कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाग भाग भाग। बॉल। क्या कर रहा है मोटे? दे रहा। क्या कर रहे हैं ये? एक बॉल में 3 रन चाहिए सत्या। क्यों रे? सिर्फ स्ट्राइक ही रोटेट करता रहेगा या गर्लफ्रेंड को भी रोटेट करेगा? मेरे पास भी भेज। इस वीकेंड में मैं फ्री हूं। हाँ? आप रुकिए जरा बेटा, तेरे लिए भजिया बनाऊं? नहीं चाहिए माँ, मुझे भूख नहीं है। हमेशा ऐसे ही कहते हो, फिर चिल्लाते हो भूख लगी है। अरे उसे कोई जूस बना के दे दो, वो हमारा होने वाला दूल्हा है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ बोल रहे। हेलो। भाड़ में जा तू। वो लोग मुझे मार रहे थे और तुम लोग देख रहे थे। तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो या नहीं? बैट उठा के झगड़ा तूने शुरू किया, गलती ना हो के भी हम लोग मार खाते। अच्छा ये बता, बैट क्यों मारा तूने? उसने सहसरा के बारे में गलत बोला। हाँ, बड़ा हीरो बन रहा है ना तू। तेरी हीरोगिरी हमें महंगी पड़ गई है। सुन, तेरी वजह से हम लोग ने मार खाया है, शाम का खाना तू ही खिलाएगा। बकवास मत कर, बाय। सत्या तो पीता ही जा रहा है। भी अरे चिप्स के लिए हो रहे। अरे छोड़ ना, बॉटल टूट जाएगी। हाँ सत्या बोलो। सहस्रा मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, क्या उसकी तुम्हारे साथ कुछ बात हुई है? सहस्रा तो गांव चली गई है। हेलो कीर्ति, क्या तुम सहसरा से मिली थी? उसने मुझसे कहा था कि वो गांव जा रही है। इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पता है? एक तो फोन भी नहीं उठाती हो, गांव जाने से पहले बताना चाहिए था ना। कितना टेंशन में था मैं, पता है? ये क्या है? Thank you.
जहर तेरा पी रहा, नस नस में प्यार तेरा कांटा बन के चुभ रहा, मेरा गला काट दिया, मेरी जान ले लिया, तेरा साया मुझको घेर गुट गुट अब जी रहा, सांसों का गुलाम बना, अंधेरों का साथ बना, तूफानों सा ये दर्द उठा, ज्वाला बन के मुझ में फूटा। जान बन के जाने भूल मेरा तोड़ दी, ये कौन से गुनाह की सजा है मुझको मिल रही। सत्या, तेरी ये हालत देखकर तेरे माँ पापा दुखी है, तो उस लड़की को भूल जा, फैक्ट्री में तेरे लिए सुपरवाइजर की जॉब है। जीते जी मुझे मार दिया, खत्म कर दिया इस जीवन को, अब प्यार पे विश्वास मेरा नहीं रहा, विश्वास मेरा नहीं रहा। Break my heart, my life is nowhere now, I am heartbroken, the part of love is gone. She has break my heart, my life is nowhere now, I am heartbroken, the part of love. तुझे हम पीने के लिए बुला रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहा यार? सुन, तू अभी जहाँ कहीं भी हो, हमें जल्दी से जल्दी आकर मिल, समझा? बता तेरी तकलीफ क्या है? हम तेरे दोस्त हैं, याद है ना? अरे तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा है तू? जब भी पूछ रहे हैं तो बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। तुझे क्या लगता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? खुद की हालत देख रहा है तू? अपने आप को देख जरा। उस लड़की के लिए कर रहा है ना ये? सबकी कहानी एक जैसी होती है, लड़की आती है, फिर हमें घुमाती है, फिर चली जाती है और कहानी खत्म। इसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानता है ना तू? वो सिर्फ टाइम पास करने आती है। सभी लोग ऐसे नहीं होते भाई। क्या मतलब सभी लोग ऐसे नहीं होते? तूने कितने देखे, अभी तूने देखा ना कि वो तुझे कैसे छोड़कर चली गई। मुझे बता, शादी नहीं करेगा, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? तेरा ये टेंशन देख के माँ बाप भी टेंशन में, ये नहीं दिखता? तू शादी कर ले, टेंशन खत्म, और कुछ मत कर। शादी करनी ही होगी। अब जो लड़की आएगी वो सीधी रहेगी, ऐसा लग रहा है तुझे? मुंह देख इसका कैसा हुआ है। ये भी ऐसी ही रहेगी, वो तुझे छोड़कर गई और आने वाली भी किसी और को छोड़कर आई होगी। तू अकेला फ्रेश हो सकता है, मैं तो नहीं हूँ। तू? अरे बाप रे। शादी होते ही काम पर मत लग जाना, उसकी जिंदगी में कोई और था क्या ये भी पूछ लेना। रात भर उसने दिया हुआ दूध पीता रहेगा क्या? उसे पूछ ले, पूछ ले। अबे इतना क्या सोच रहा है, पूछ ले। आपको पता है मैं एक दो बार आपके गांव आया था, वही मामा के घर पर। वहां के लोग, वहां का वातावरण बहुत ही शांत रहता है ना? वहां की लड़कियां बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, ऐसा मैंने सुना है। मतलब जैसे शहर में होता है वैसे नहीं, शहर की लड़कियां तो प्यार करती हैं और फिर किसी और से ही शादी कर लेती हैं। ऐसे
ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं, पर बहुत सी लड़कियां, पर गांव की लड़कियां ऐसी बिल्कुल नहीं होती। आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या? अगर किसी से प्यार हुआ तो भी नदी किनारे मिलकर बातें करना, बाजार में या मेले में जाना और बुढ़ी के बाल खाना, गांव की लव स्टोरीज में ऐसी छोटी चीजें ही होती है ना। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और कुछ कर सकते हैं, या इससे ज्यादा कुछ करते हैं। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको इससे पहले किसी से? इससे पहले मैं कुंवारी नहीं थी। अरे बाप रे, अगर इस बारे में उन्हें पता चल गया तो फिर तो मेरी खैर ही नहीं। अच्छा हुआ। सब कमीने हैं, जाने दो। अब अंतर कैसे जाऊं? शिट। अरे अब क्या किया इसने? अरे भांजे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मामा, टैप टूट गया, पानी लीक हो रहा है। अरे ऐसे मौके पे जल्दबाजी नहीं करते, आराम से करते हैं, इतना भी नहीं पता? अरे आप बकवास बंद करो मामा, पता है मैं यहाँ आधा भीग चुका हूँ। क्या कहा? मतलब तू कह रहा है कि ये वाटर लीकेज रोकने के लिए तुम दोनों के बीच में प्लम्बर को भेज दूँ? बेशरम। एक काम कर, सुनो, लीकेज के पास बकेट रख और टॉवेल बांध, अगर नहीं है तो लुंगी बांध, अगर पानी रुक जाए तो मुझे बता देना, ओके है ना? हाँ ठीक है, आप जाइए। मेरा एक भी गुण इसमें नहीं है। इस जनरेशन के लिए, इस काम के लिए भी वर्कशॉप रखना पड़ेगा। छह, हमारे जमाने में तो पलंग तोड़ा करते थे। कृष्णवेणी,
बेटी कृष्णवेणी, अब उठो भी। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? अब तुम्हें रात भर जागकर कपड़े सिलने की क्या जरूरत थी बेटा? कुछ नहीं पापा, आज सीता काकी की बहन की लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उन्होंने साड़ी सिलने को दी थी। चाहो तो मैं भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूं। ठीक है पापा, ढूंढो, लेकिन आने वाली माँ को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। पापा मुझे आने में देर हो जाएगी, आप खाना खा लेना। बदमाश लड़की। से बंद होके लग रहा है। तेरी गाड़ी को मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए मेरे पास आकर ही बंद पड़ जाती है। हाँ, ऐसा क्या? सुबह से आपको मैं ही मिला क्या? सुनो भांजे। हाँ मामा। ये लेकर जाओ। इतने जल्दी हो भी गया? हाँ बेटा हो गया। अरे रखिए ना आपके पास। अरे इसे अपने पास रख कर क्या करूँगा? दे दो, आप तो बात नहीं मानोगे। चल ख्याल रखना। अच्छा दादा, दवा मार दी है, एक महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बेटा, ठीक से दवाई मारी है ना? बेफिक्र रहिए। अरे बेटा, अगर काम हो गया हो तो घर पे चलो खाना खाने। नहीं नहीं, ठीक है, मैं घर जाके खा लूंगा। घर जाकर अच्छे से नहा लेना। जी जी बिल्कुल दादा। हाँ। आप अपना ख्याल रखिए। हाँ। और बीड़ी जरा कम कीजिए। हाँ, कम कर दूंगा। कपड़े ये क्या, सुबह सुबह तुम स्नान करके नहीं आ सकती? ओहो, मैं घर जाकर नहा लूंगी ना, थोड़ा सा पानी दे दो मुझे। देती हूँ, रुक जा। अरे रे रे अरे, ऐसे खटिये पे कैसे बैठ सकती हो? हाँ, एक तो स्नान नहीं किया, पूजा नहीं की, कोई तौर तरीका नहीं। ये ले पानी पी ले, और ग्लास वहाँ तरीके से रख देना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। अरे कपड़े दिए बिना ही जा रही हो क्या? तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ मैं, दोबारा कभी नहीं बोलूंगी। अब कपड़े तो दे। अर्जेंट है करके रात भर जाग के मैंने आपकी साड़ी सिली है सुबह तक, और आप मुझे ऐसे डांट रही हैं? मेरा कपड़ा मेरा, तुम्हारी डांट तुम्हारी, अपने दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। जाओ। जाने दे, गलती हो गई, माफ कर दे, अभी कभी नहीं डांटूंगी तुझे। जो कहूंगी वो करोगी? पानी। अरे अरे, इधर बैठने को तुमने मुझे मना किया था ना? देखो तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ, अब इधर ही बैठूंगी और रोज आकर बैठूंगी, तभी देखती हूँ तुम क्या करोगी।
जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठ। शाम को गांव जाने के वक्त घर की चाबियां भी तेरे हाथ में देकर जाऊंगी। अभी वो कपड़े तो देना मुझे। ये लो। पूरे गांव वाले बुआ करके बुलाते हैं, इसका घमंड है। सोच लो बुआ, दूसरी बार मुझसे पंगा मत लेना। हाँ, ये आजकल के बच्चे ना, बाप रे, हे भगवान। चाचा, टमाटर कैसे दिए? मासी, हाँ बेटा, टमाटर ले लिया। हाँ ठीक है। हाँ, अब पाव किलो मिर्ची और एक किलो प्याज भी ले लेना। ठीक है, और कुछ लाना है क्या? कितना चाहिए बता, पाव किलो डालो और चार डालो। आप क्यों बाजार में आए? मैं सामान लेकर आ जाता। सूरी, मंदिरों और बाजारों में खूबसूरती घूमती रहती है। सिटी में और अच्छी रहती है मालिक। बाप रे, कुछ ढंग का दिखाई नहीं दे रहा। आहा, ये दिखाना कुछ ढंग का। है कौन ये? हमारे गांव में ये सुंदर परी कौन आई है? वो लड़की ना, वो कृष्णा में नहीं है, वो बहुत ज्यादा घमंडी है। हाँ, वो तालाब के पास शेखरम जी है ना, उन्हीं की बेटी है ये। ये बहुत ही नकचड़ी है। नकचड़ी है तो मैं भी कम हूँ क्या? एक बार हाथ तो आने दे। कमीना कहीं का। जा तू अपना सामान खरीद, मैं अपना सामान देखता हूँ। अच्छा ठीक है मालिक। ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई है? ए, क्या बोला रे? क्या बोला, फिर से बोल। ए, रुक। छोड़िए मत। क्या हुआ है? आप ही पूछ लीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था, इसके लिए नहीं। ये सब क्या चल रहा है? चलो जाओ घर। बढ़िया है सरपंच। तुम सब यहाँ क्या देख रहे हो? चलो जाओ घर। गांव के सामने आपने मुझ पर हाथ उठाया, जिसने मुझे मारा उसे तो कुछ नहीं कर पाए। अपने आप को बड़े सरपंच कहलाते हो ना, सरपंच होकर बेटे को नहीं बचा पाए। बेटा, यहाँ तुझसे और मुझसे पढ़कर भी मुझे सरपंच की पदवी प्यारी है। आज जो तूने उसे मार खाई है ना, वो मार तुझे नहीं लगी है बेटा,
वो मेरे इज्जत को लगी है। तू त्योहार के लिए आया है ना, तो तू मजे कर। इस गांव में तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत है, तुम्हारी वजह से आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर आई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। समझ गए ना? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? ठीक हूँ बेटा। आपकी दवाई बाहर रखी है, लाकर दूं क्या आपको? दवाई खत्म हुई है, सोचा था आते समय ले आऊं, लेकिन मैं भूल गया। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मैं लेकर आती हूँ। सुनो तो, क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। कृष्णवेणी सुनो मेरी बात, मुझे अभी नहीं चाहिए, तुम कहीं मत जाओ। आप आराम कीजिए पापा। चाचा खांसी की दवाई दीजिए। ए, ये क्या हो रहा है? ये कोई टाइम है ये सब करने का? अगर फिर से ये सब करते दिखे ना, सिर फोड़ दूंगा। चल रहे निकलते हैं, ये ज्यादा ही बोल रहा है। ताजी मिर्ची। बुआ सुनो। अरे बेटा आ गई, आजा। तुम्हारी उम्र ये सब करने की नहीं है, तुम्हारी उम्र शादी करने की है। हाँ, जब तुम मर जाओगी उसके बाद शादी करूंगी मैं। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे पापा को कौन देखेगा? अच्छा, अपने पापा से इतना प्यार करती है, वो सब ठीक है, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्यों आई? ये प्रसाद तुम्हारे लिए पापा ने भेजा है। वाह, प्रसाद लेकर आई हो। नारायण, बहुत अच्छा है, तूने बनाया है। वो सब ठीक है, इसमें काजू किधर है? तूने खा लिया क्या? तुम्हें काजू नहीं देना चाहिए, जहर देना चाहिए। अच्छा, इस सब में सारी गलती मेरी ही है, तुझसे अच्छा तो वो विष्णु है। अरे बुआ सुनो, उस दिन आपको जो साड़ी पसंद आई थी ना, वही लेकर आया हूँ आपके लिए, आपने मुझे बोला था ना। मैं कभी बोली? बुआ कह के कितना प्यार से बुलाता है।
सब ठीक है। विष्णु के माँ बाप गाँव गए हैं, पता है तुझे? अरे क्या हुआ, बिना बोले चले जा रही हो? पगली कहेगी। जाने वाले थे ना, घर में जवान बेटा है, क्या खाएगा? कम से कम चावल तो रख कर जाते, सब खाली है। ऐसे शुरू हुई थी, किसी के लिए खाना बनाकर यूं ही नहीं लेकर जाते, किसी पास के होटल में लेकर जाती हूं उसे। क्या कहा आपने? वो एक्चुअली मैं पूछ रहा था, आपकी लव स्टोरी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी क्या?
कहती चले मेरा जीवन तुम्हारे लिए मेरे दिल में तेरी तस्वीर छपे हम दोनों ऐसे ही साथ रहे सरपंच के आदमी को हाथ लगा रहा है। गांव में आधे किसान जहर खा के मर रहे हैं और बचे हुए 10-20 किसानों को तुम धोखा दोगे। जब खेती करने के लिए कोई नहीं बचेगा तब तुम लोग क्या करोगे? जा अपने सरपंच को जाके बोल ये सभा भी कभी बंद कर दे। विष्णु आजकल गांव में लड़ाई झगड़ा करते फिरता है, तुम ही समझाओ तुम्हारी बात मानेगा। एक बाप होते हुए भी आपने कभी उसकी देखभाल नहीं की और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे समझाऊं? भूख लगी है, खाना लगा दो। तुम बैठो बेटा, अभी देती हूँ, उसे खाना देकर आती हूँ। क्यों रे, सरपंच के आदमियों को क्यों मारा? उन्हें चुप रहने के लिए बोलो मासी, माँ के वचन के लिए इन्हें घर में रखा है। जुआ उधारी दारू पीकर मेरी माँ को सताकर मार दिया इन्होंने, उसी दिन ये भी मेरे लिए मर गए। माँ ने वचन दिया था इसलिए कुछ नहीं बोलता मैं। उन्हें समझाओ कि मुझे कुछ ना बोले, खाना मिल रहा है वही बहुत है। वो विष्णु हमारे राइस मिल के कामों में टांग अड़ा रहा है मालिक। दारू की दुकान पर सूरी पर हाथ उठाया, आपके हर काम में दिक्कत पैदा कर रहा है और आपकी इज्जत कम कर रहा है। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे झगड़े तुमने बंद नहीं किए। तुम कब किसको मारोगे, तुम्हें कब कोई कौन मारने आ जाए सोचकर बहुत डर लगता है मुझे। मुझे तकलीफ देकर मजा आता है तुम्हें? प्यार करने से पहले यही गुस्सा तुम्हें पसंद था? यही गुस्सा तुम्हारी हिम्मत थी ना? बात सुनो, जब तक तुमसे प्यार करूंगा ऐसे ही लड़ता रहूंगा, और अब प्यार करने के बाद यही गुस्सा तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सॉरी, अब मुझे क्या करना है बताओ? जो मांगूंगी वो करोगे? तो आज से अभी से सारे झगड़े बंद कर दो। मंजूर है। तुम अब किसी को नहीं मारोगे? ये भी मंजूर है। ऐसे नहीं, मेरी कसम खाओ कि अब नहीं करोगे ये सब। बोलो। तुम्हारी कसम, ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ होगा मैं बताता हूँ। उसके बाद तुम दुखी होकर अपने पापा के साथ चली गई होगी। फिर तुम उस लड़के से कितना प्यार करती हो ये तुमने पापा को बताने की कोशिश की होगी, पर तुम्हारे पापा ने ये बात सुनकर अनसुनी कर दी होगी। उन्होंने तुम्हें गुस्से से देखा होगा, फिर तुम्हें भी गुस्सा आया होगा, फिर तुम दोनों का झगड़ा शुरू हुआ होगा, गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ दिया होगा। तुम गुस्से में अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करके बाहर आई होगी। फिर तुम्हारे पापा ने किचन में जाकर केरोसिन छिड़क कर खुद को जलाने की धमकी दी होगी। तुम्हें ये देखकर डर लगा होगा, काफी तकलीफ भी हुई होगी। पापा को तकलीफ देना तुम्हें सही नहीं लगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला इसलिए शादी के लिए मान गई। मैं एक नहीं सुनूंगा तुम्हारी। उसके बाद शादी के मंडप में एक बकरे के बगल में बैठना पड़ा। अभी उसी बकरे के लिए तुम ये दूध का ग्लास लेकर आई हो। वो बकरा और कोई नहीं, मैं हूँ।
सही कहा ना मैंने? मैंने तो ये सोचा था कभी तो शादी के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि खुद ही दूल्हा ढूंढ लेगी। प्यार करना कोई पाप है क्या? नहीं तो वो किसी फालतू लड़के से प्यार करती। अब तक इसकी शादी करना सिर्फ मेरी मर्जी पर था, लेकिन अब इसकी शादी के लिए पूरे गांव की मर्जी पूछनी पड़ेगी। तुमसे, मुझसे, इस गांव से सबसे अच्छा है वो विष्णु। वो लड़का कैसा है पता है दीदी, पर उसके जात के बारे में पूरे गांव को पता है। ये सब मैं देख लूंगी शेखरम। शाम हो गई है, तुम घर जाओ। ठीक है दीदी, चलो बेटा। मैं शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर लड़के ढूंढना शुरू कर दूं क्या? मैं शादी कराने नहीं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ। अपने तालाब के पास शेखरम जी है ना, उनकी बेटी से प्यार करता हूँ। वो लोग अपनी जात के नहीं है, कल अगर पंचायत होगी तो मैं और तुम्हारे पिताजी उनके सामने क्या कहेंगे बेटा? उसके घर पे पता चल गया है, पंचायत हो सकती है शायद कल, इसलिए आप दोनों को ये सब बता रहा हूँ। विष्णु, हर गांव के भी कुछ नियम होते हैं, अगर हमने उनका पालन नहीं किया तो गांव कैसे चलेगा? ये सब प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरे बाप को देख कैसे सिर झुकाए हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी औकात क्या है। चलो जाओ। आप मुझे समझा रहे हो या धमकी दे रहे हो? देखिए सरपंच जी, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, उसकी जात से नहीं। नहीं तो एक सुझाव देता हूँ, ये जो खड़े हैं ना, उन्हें लड़के बनने के लिए कहिए, मैं शादी कर लूंगा। ए विष्णु, मुंह संभाल के बात कर तू। सरपंच जी, बार बार जात जात क्यों बोल रहे हो आप? मेरे पति ने मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने दूसरे जात की लड़की से शादी की थी। उसी दुख में उसने बिस्तर पकड़ लिया था। तब मेरे बेटे को क्या आप लेकर आए थे? मेरे पति का दुख कम करवाया आपने? मेरा पति मर गया तभी यही विष्णु था जिसने उनका दहन संस्कार किया था। क्या आप और आपकी ये जात? देखो बहन, ये पंचायत का काम है, उसको ही करने दो। तुम हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। अगर गांव में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन दोनों के घर वाले भी मान गए हैं, बीच में आपकी पंचायत को क्या तकलीफ है? देखो, तुम अपने घर चली जाओ और हमें अपना काम करने दो। सुनो, इस जाति संक्रमण शादी के लिए पंचायत सहमति नहीं देगी। देखो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारी बातों को मानना होगा। एक तो बिना शादी के यहाँ रहो, वरना गांव छोड़ दो। आगे तुम दोनों की मर्जी। सरपंच जी, मेरी शादी इसी गांव में होगी और वो भी इसी गांव के मंदिर में। शादी करूंगा तो कृष्ण वेणी से ही। पापा चलिए, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। सोच रही हो? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखकर कहो। कुछ नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ देखकर। डर लग रहा है मुझे। किस बात का डर है? क्या बात है कृष्णवेणी? आज पंचायत में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारी शादी होगी भी या नहीं ये सोचकर डर लग रहा है। देखता हूँ कौन आता है।
किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसी बात से डर रही हूँ, लेकिन तुम्हें झगड़ता हुआ देखना नहीं चाहती। लेकिन मेरे लिए तुम्हें झगड़ना पड़े इसका क्या मतलब है बताओ? तुम ही बताओ क्या करें। तो फिर क्या ये गांव छोड़कर चले जाए? ये देखो, मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक तो चल रहा था, फिर क्यों छोड़ दिया उसे? मैंने नहीं छोड़ा है उसे। थोड़ा और ड्रिंक लेके आओ। ये ठीक है मालिक। सुन बेवकूफ, सोडा सोडा बोतल भी लेके आ। अभी लाया मालिक। भास्कर, आज पंचायत के सामने मेरी बेइज्जती हुई है,
उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मेरा अपमान किया है। अब उसे जवाब देने की बारी मेरी है। उसका कुछ तो करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। वो विष्णु अपनी बात नहीं मानेगा, उसे मारना ही होगा। उसे मार के क्या मिलेगा? कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं मालिक। जो तुम्हारे मन में आए वो करो। छोड़कर चले आए। ये पांचवी प्लेट है तुम्हारी, जल्दी करो, पता है ना हमें जाना है। भैया जी एक प्लेट और कर दीजिए। दे भाई। वही है जिसने मुझे गांव के सामने मारा था। अबे उसको फोड़ देते हैं। चलो रे। ए, देख के चलो ना, आंखें नहीं है क्या? भगवान ने आंखें दी हैं तो इस्तेमाल भी करो। लड़की साथ में इसे कम मारो, याद रख। मुझे पूरे गांव के सामने मारा था ना? अरे इतना नहीं मारना था, इसके कान से तो बहुत खून बह रहा है। अरे चल चल यहां से निकलते। I am sorry. He is no more.
कारण है, लेकिन तुझे ऐसे देखकर तेरे पापा को कितना दुख होता है, कभी सोचा है तुमने? विष्णु को बुलाने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उसे याद करके जिंदगी भर दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। अपने पापा के लिए तो शादी कर ले। गांव में सबका रिश्ता आप करवाते हैं, आपकी लड़की का रिश्ता मैं कैसे देखूं? बेटी के बारे में पता ही है आपको। हाँ हाँ सुना था, बहुत बुरा भी लगा, लेकिन आज के जमाने में शादी से पहले का प्यार व्यार ये सब कौन देखता है। हाँ याद आया, शहर में मेरा एक भांजा रहता है सत्या, आपके सामने ही उससे बात करके देखता हूँ। हेलो, मैं हूँ जीजा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, अपने सत्या के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, अपने पंडित जी है ना, उनकी लड़की है, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। हाँ, बेटी के बारे में बताना क्या चाहिए? जरा रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, नहीं मैं सब देख लूंगा। हाँ रखता हूँ। उन्हें एक बार सब बता देते तो अच्छा होता। अरे पंडित जी, जमाना बदल गया है पता है ना। अरे गृहलक्ष्मी, दो चाय बनाना। सोच रहे हैं सिर्फ विष्णु मर गया है, लेकिन उसके साथ मैं भी मर चुकी हूँ। लड़की हूँ इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा, पापा के लिए उनकी जान हूँ मैं, वो सिर्फ मेरे लिए ही जी रहे हैं। सोचा था खुद को जान से मार लूंगी, लेकिन पापा को देखकर मैं रुक गई। मुझे आपको धोखा देने का इरादा नहीं था, इसीलिए आपको सच बता दिया। विष्णु को मैं इतनी आसानी से नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बिछड़ा नहीं है, वो मेरी याद में है। जाओ बात करो। कृष्णा वेणी, हाँ।
क्या चाहिए? अरे रुक जाओ, ये कल के लिए, अभी मत खाओ। कल क्या स्पेशल है? हाँ, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, तुम्हें देखने कल आ रहे हैं, सब हो गया है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटीज बेटा। मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब तुझे बताना पड़ेगा, जा पापा से पूछ। वहीं पर हो ना तुम, काम हो जाना चाहिए। पापा? हाँ? हाँ? बाद में आती हूँ, आप बात कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, बोलो ना, बोलो क्या बात है। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। क्या करता है वो? उसके पास डिग्री है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, पर वो बहुत अच्छा है। करता क्या है? उसके डैडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं पापा, लेकिन मैं उसे बहुत चाहती हूँ। तुम लोग वहीं पर रुको। तुमने सोचा मुझे पता नहीं? क्या सोचा तुमने? कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो, कौन से पिक्चर के लिए जा रही हो, किस होटल में जा रही हो, पता नहीं चलेगा? इस वक्त वो क्या कर रहा है तुझे पता है? मुझे पता है। फोन करना है तुम्हें, करो उसे फोन। हाँ बोलो। सत्या तुम कहाँ पर हो? यहीं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसने स्कोर बताया क्या? बाद में करती हूँ। तुम लोग वहीं पर रुको। वो हमारे सामने ही है, बताओ क्या करना है। बताओ तुम उसे भूलकर शादी करना चाहोगी या उसे मार कर किसी और से शादी करवानी पड़ेगी? तुम लोग चले जाओ। ए, चल। गुड गर्ल। हेलो मुकेश, बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, उसकी मर्जी से ही हो रहा है, अपने जात का ही है, उसने जिसे पसंद किया है उसी से उसकी शादी हो रही है। हेलो। हेलो सहस्रा। बोलो। सत्या की शादी फिक्स हो गई है, अगले महीने उसकी शादी है। इस अंगूठी पर अब तुम्हारा हक है, हैप्पी मैरिड लाइफ। Thank you.
सिर्फ अंधेरे को देखते रहोगे तो तारों का उजाला नहीं देख पाओगे। उसी तरह बीते कल को भूलेंगे नहीं तब तक आने वाले कल को अपना नहीं सकेंगे। यादों में रहकर दुखी होने के लिए हमारे पास बहुत सी यादें होती हैं, लेकिन उन्हीं यादों को अपने से बांटकर खुश रहना ही जिंदगी है। दो लोगों को एक होने के लिए, जिंदगी साथ बिताने के लिए उन्हें एक बंधन में बंधना जरूरी है, और उसी बंधन का नाम शादी है। इन दोनों की अलग कहानियां थी, अलग सपने थे, लेकिन शादी होने के बाद एक ही कहानी, एक ही सपना, एक ही भविष्य। Da-d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 a